आज मैं इस ब्लॉग में आपको बताता हूँ कि दिल्ली टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 कैसे जाना है। एक तो मेट्रो जो स्टेशन है वो टर्मिनल 3 तक है, उसके आगे कैसे जाना है टर्मिनल 2 तक आप इस ब्लॉग को देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेट्रो से निकलना है और टर्मिनल 2 जो बैनर जितने लगे हुए हैं आपको उसको फॉलो करना है। हार्डली ये मुश्किल से 8 से 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है टर्मिनल 3 से टर्मिनल 2 तक। तो ये काफ़ी लोगों को परेशानी हुई थी, होती है कि टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 कैसे जाएं और 3 से 2 कैसे जाएं। तो ये ब्लॉग उनके लिए है जो टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 के बीच में फ्लाइट चेंज करना चाहते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट चेंज करना चाहते हैं और उनको कोई डाउट होता है कि कैसे यहाँ से वहाँ तक जाया जाए। दोनों के बीच में कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस मुश्किल से 8 से 10 मिनट का है। आप चाहे तो ये लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, शटल सर्विस चलती है टर्मिनल 3 से और टर्मिनल 2 तक, शटल से भी जा सकते हैं पर इसका कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि 10-10 मिनट में चलती है। इससे बेटर है आपके पास लगेज नहीं है, लाइट लगेज है, आप सीधा मूव ऑन कीजिए, शेड्स के थ्रू आप सीधा टर्मिनल थ्रू वॉकिंग कीजिए, बैनर को फॉलो कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि सारा जो वॉकिंग एरिया है टर्मिनल 3 से टर्मिनल 2 तक सारा शेड है, शेडेड है, ढका हुआ है, बारिश तूफान आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको चलना पड़ सकता है। अब ये हम टर्मिनल 2 के पास आ चुके हैं, मैंने वीडियो काफ़ी काटी हुई है क्योंकि 10 मिनट का वॉकिंग है, वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ 2 मिनट में, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कैसे टर्मिनल 3 से 2 कैसे जाया जाए अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट से डोमेस्टिक फ्लाइट लेना चाहते हैं। तो मेट्रो देखेंगे तो आप टर्मिनल 2 की कोई मेट्रो नहीं है, ना पिंक लाइन पे ना ब्लू लाइन पे, जो मेट्रो स्टेशन है वो T3 पे ही है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अब हम पहुंच चुके हैं टर्मिनल 2, काफ़ी 8 से 9 मिनट का ट्रेवल करके। आप इस तरह से फॉलो कीजिए, आपको कोई परेशानी हो